Coming to question number 6. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? क्वेश्चन में कहा गया है कि रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने होंगे और क्यों। देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, सो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। सो हम इन एंगल्स को x मान लेते हैं। सो सम ऑफ all angles of a triangle equals to 180 degree. That means x plus x plus x equals to 180 degree. So 3x equals to 180 degree. So x हमारा आ जाएगा 180 degree upon 3. 3 1 * 3, 3 6 * 18 और 0 का 0. दैट मीन्स जो हमारा x है वो आ जाएगा 60 डिग्री। सो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का कितना हो सकता है? 60 डिग्री। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कितना पॉसिबल होगा। सो हमने क्या बोला था? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री और हमारा इंटीरियर एंगल कितना आया था? 60 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा हमारा? 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। सो हमारा ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। देयरफॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी 120 डिग्री की 3.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।